खबर शामिल करते हैं मीरपुर खास से, जहां से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुलाजमीन का अपने हुकूक के लिए सरापा एहतजाज। अगर फौरी तौर पर मसाइल हल ना किए गए तो इस्लामाबाद में एहतजाज और काम छोड़ हड़ताल की जाएगी। सूबाई सदर तफसीलात के मुताबिक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुलाजमीन पिछले 13 सालों से अपने हुकूक के लिए सरापा एहतजाज हैं। इस हवाले से ऑल पाकिस्तान BISP एम्प्लाईज वेलफेयर एसोसिएशन सूबा सिंध के सदर खुर्रम बाजवा ने असिस्टेंट डायरेक्टर तौफीक चना के हमरा सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि BISP पाकिस्तान के मुलाजमीन गुज़िश्ता 13 सालों से एक ही स्केल पर काम कर रहे हैं। डेली वेजेस मुलाजमीन अपने हुकूक के हुसूल के लिए किसी मसीहा के मुंतजर हैं। उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मुलाजमीन की कोई पेंशन है ना और कोई मेडिकल पॉलिसी है। उसके बावजूद मौजी मर्ज कोरोना वायरस की लहर हो या सैलाब की तबाहकारियां अपनी जानों की परवाह किए बगैर अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि किसी हुकूमत ने उनकी फारसी नहीं की और ना ही उनके मसाइल के हल के लिए कोई संजीदा इकदाम किए हैं, जिसकी वजह से मुल्क भर के BISP के मुलाजमीन अपने हुकूक के लिए सरापा एहतजाज बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर फौरी तौर पर मुलाजमीन के मसाइल हल नहीं किए गए, 12 दिसंबर को BISP पाकिस्तान के तमाम मुलाजमीन काम छोड़ हड़ताल करके इस्लामाबाद का रुख करेंगे और पार्लियामेंट के सामने अपने हुकूक के हुसूल के लिए एहतजाज करेंगे। इस मौके पर इमरान कमहार, गाजी खान हंगोरो, शुएब कुरैशी, नवीद कुरैशी समेत दीगर मुलाजमीन भी मौजूद थे।